कचौरी खाना सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन मैदे के कारण जो है सब कचौरी खाना थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन कभी कभी तो हम बढ़िया कचौरी जो घर में बनी हुई हो और बहुत ज़्यादा हेल्दी, कोशिश ही तो की है बनाने की, पर फ्राइड है तो हेल्दी नहीं कहा जा सकता। और इस कचौरी को हमने गेहूं के आटे से बनाया है। देखिए आपके सामने एक एक कचौरी कितने अच्छे से फूल गई है और बहुत ज़्यादा सुनहरी है, और बहुत देर तक ये इसी तरह खस्ता और क्रिस्पी बनी रहेगी। और इस कचौरी को हमने बिल्कुल खास तरीके से बनाया है। ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। नाश्ते में अगर इस कचौरी को आप सब्जी के साथ, वैसे इस कचौरी में हमने इतना अच्छा मसाला भरा हुआ है कि इसके साथ किसी भी सब्जी की हमें ज़रूरत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक कप के लगभग पोहा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल प्लेन पोहा है, जो मोटा या पतला आप जैसा भी पोहा मिले। इसे हम अच्छे से सफाई से 2 से 3 बार पानी से धो देंगे और उसके बाद इसे 5 मिनट तक के लिए भीगने रख देंगे। भिगोने के लिए हम इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी है वो आराम से निकल जाए, और इसको साइड में रख देंगे। बस अब हम सारा पानी पोहे में से निकाल देंगे और इसे अलग रख देंगे। अब एक बाउल के अंदर 1/4 कप के लगभग मैंने सूजी ली है, कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर कलौंजी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच ही हम ददरी पीसी हुई सौंफ डाल देंगे, 2 चम्मच के लगभग हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा और लुक भी बहुत बढ़िया आएगा। साथ में 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। ये कचौरी की रेसिपी ऐसी है कि अगर आप इसके साथ कोई चटनी या दही या सब्जी नहीं भी देंगे तो भी चलेगी, चाय के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें देसी घी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करकर हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि 10 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी और जो हमने कचौरी के अंदर दाना सा नज़र आता है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और एक सार बनी हुई हमारी कचौरी तैयार। ये देखिए मैंने 10 मिनट इसे ढककर रख दिया था, 10 मिनट में अच्छे से मसाला काफ़ी फूल गया। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के लगभग दही डाल देंगे। दही डालने से हमारी कचौरी बहुत खस्ता बनेगी और ये बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगी। थोड़ा सा हरा धनिया हम बारीक कटा हुआ डाल देंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है कि धनिया बारीक कटा हुआ हो, वरना वो कचौरी को फूलने नहीं देगा और या फटने का डर रहेगा। इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके लिए मैंने 1 कप के लगभग गेहूं का आटा लिया है। वैसे मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, लेकिन मेरा वाकई 1 कप ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। अच्छे से हम सारे बैटर को मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा डालते हुए इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। हमें इसका मठरी जैसा हार्ड डो नहीं लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट, जैसा हम पराठे के लिए डो बनाते हैं वैसा डो लगाकर तैयार करना। अब थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालते हुए हम इसका जितना आटा जरूरत है उतना लेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने 1.5 कप आटा लिया था तो 1/2 कप आटा बच गया है और हमारा एक मीडियम सॉफ्ट डो लगकर तैयार है। बस अब हम अच्छे से इसके हल्का सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि इतनी देर हम इसके अंदर भरने के लिए फिलिंग तैयार कर लें। और जो हमने पोहा तैयार के रखा था, देखिए वो भी अच्छे से फूल गया है। इसको हम हाथों से अच्छे से मैश कर देंगे ताकि ये जो हमारी फिलिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। अब एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल लिया है। 1/2 चम्मच इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे। मेथी डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच ददरी पिसी हुई सौंफ डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया, वो भी मैंने ददरा पिसा हुआ डाल दिया, और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग पाउडर डाल देंगे। हींग से कचौरी के मसाले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सारी चीज़ें जब अच्छे से दरदरी सी भुन जाएंगी तब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक को थोड़ा दरदरा पीस के डाल सकते हैं, मैंने भी ऐसे डाला है। और 2-3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल देंगे। साथ में 1 बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बाद बारीक चॉप किया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और प्याज को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें प्याज का कलर ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका क्रंच इसी तरह बना रहे तो अच्छा है। 2-3 मिनट मुझे प्याज को भूनते ही हो गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने पोहा भीगा के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पोहे के साथ ही मैंने 1 आलू मेरे पास बॉईल किया हुआ रखा था, उसको मैंने हल्का सा ग्रेट किया और वो भी इसके अंदर डाल दिया है। आप पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे आराम से स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ी सी कोई भी नमकीन, अगर तो आपके पास बड़े वाले दाने का नमकीन है, ये मेरे पास नमकीन पड़ी थी जो नायलॉन से होते हैं, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया।
अगर आपके पास नमकीन हो और बड़े बड़े दाने हो तो उसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लीजिए, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब डालेंगे थोड़े मसाले, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब डालेंगे इसके अंदर दो चम्मच के लगभग या तो चाट मसाला या अमचूर पाउडर, ताकि अच्छे से हमारी फिलिंग एकदम चटपटी बनकर तैयार होगी। बस अब सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई भी खास मसाला हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया डालकर फिलिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब अच्छे से फिलिंग ठंडी हो जाएगी तभी हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी कचौरियाँ बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो। ये देखिए 5-10 मिनट हो चुके हैं और फिलिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। बस इसी स्टेज पर हम हाथों से इस फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो पोहे की नमी है उससे ये आराम से लड्डू की फॉर्म ले ले। बस अब हम नींबू के आकार के गोले बनाएंगे और इसको दोनों हाथों से अच्छे से दबाते हुए छोटे छोटे नींबू के साइज़ के गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो कचौरी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी या थोड़े से बड़ा ये कैसे भी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, और ये नाश्ता ऐसा बनेगा कि बाज़ार की जो आप खस्ता कचौरी खाते हैं उससे भी बहुत अच्छा खाने में लगेगा। और गर्मा गर्म अगर इसको चाय के साथ सर्व किया जाए तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। ये देखिए जितना मैंने सामान लिया था उसमें टोटल ये 10 बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। और अब हम जो हमारे पास आटा गूंदा हुआ रखा है उतनी देर, उसने भी रेस्ट कर लिया है, तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से और एक बार और गूंद लेंगे और इसमें से बराबर की साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है, बिल्कुल नींबू के साइज़ की बॉल बनानी है, यानी लगभग दोनों चीज़ों का साइज़ सेम होना चाहिए, तभी हमारा मसाला जो है वो अच्छे से फिलिंग भरी भी जाएगी और कहीं से भी हमें कच्चे आटे की फीलिंग नहीं आएगी। ये देखिए बस इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब हम एक एक लोई लेंगे हाथ पर और उसको इस तरह से कटोरी की शेप देते जाएंगे, इस तरह बीच अंगूठे के बीच में से दबाते हुए। किनारे हमें थोड़े पतले रखने हैं और बीच में से थोड़ा सा मोटा रहने देंगे, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर फिलिंग रखनी है। अब हम इस तरह से फिलिंग को नीचे की तरफ दबाएंगे और आटे को ऊपर की तरफ लाएंगे और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, चाहे तो आप पानी का हाथ लगा लें लेकिन इसे अच्छे से पैक करें। पर आटा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदा है तो आराम से जो है ये फिलिंग जो है आराम से चिपक रही है। बस अब इसे बीच में से इस तरह दबाएंगे ताकि फिलिंग किनारे तक आराम से चली जाए, बिल्कुल भरी हुई किनारे तक मसाले से। इतनी बढ़िया हमारी कचौरियाँ बनके तैयार होंगी। इस तरह से सारी कचौरियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ। देखिए बस लोई को पकड़िए, बीच में अंगूठे से दबाते जाइए और इसको नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और जो किनारे हैं उनको ऊपर की तरफ लाकर हम इस तरह से पैक कर देंगे और अच्छे से चिपकाना है। कोई पानी या घी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, आटा बहुत नरम और बहुत बढ़िया गूंदा हुआ है। तो ये देखिए कितने आराम से सारी कचौरी जो है बनकर तैयार होगी और साथ में फिलिंग जो है वो अच्छे से किनारे तक चली जाएगी। ये बहुत बढ़िया गेहूँ के आटे का नाश्ता बनके तैयार हुआ और मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद है आपके घर में भी पसंद आएगा। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे और आप सामने देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हमें ऑयल नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची बनी रहेंगी। बिल्कुल हल्का मीडियम स्लो हाइट पर हम इसको 4 से 5 कचौरी एक बार में डाल देंगे। वैसे कढ़ाई मेरी छोटी है, 4 भी नहीं चल पा रही, 5 भी नहीं चल पा रही थी तो मैंने एक निकाल दी। और हम इनको अच्छे से जब एक तरफ ये फूल कर ऊपर की तरफ अपने आप ही आ जाएंगी तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेक लेंगे और दोनों तरफ से इसी तरह से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए कितनी फूली फूली सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई। आराम से बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट हमें लगेंगे, लेकिन इन्हें हल्के हल्के बिल्कुल ऑयल के अंदर तेज़ गरम जो है ऑयल बिल्कुल नहीं लेना। अब मैंने थोड़ा सा वो जगह बन गई थी तो उसमें 2 कचौरियाँ और डाल दी। इस तरह से हमारी सारी कचौरियाँ, ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली नाश्ता हमारा बनकर गेहूँ के आटे का तैयार हुआ है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। और कितनी अच्छी खस्ता हमारा गेहूँ के आटे का वो भी प्याज वाला नाश्ता बनकर तैयार है। इसके आगे सारे नाश्ते फेल हैं और घर में रखे सामान से बड़े आराम से बन भी जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी शोर बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैं आपको इसकी आवाज़ नहीं सुनवा सकती, लेकिन आपको ऊपर की इसकी लेयर देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारी कचौरियाँ एकदम खस्ता बनकर तैयार हुई। ये देखिए मैं अभी आपको इसके अंदर से फिलिंग भी दिखाती हूँ तोड़कर। किनारे तक बहुत आराम से फिलिंग गई हुई है और बहुत ही खस्ता कचौरियाँ यानी नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू।